गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आज एक चैप्टर नया चैप्टर है, इसमें आप वो चैप्टर पढ़ ले हैं तो ये चैप्टर जिसका नाम है जंतुओं में जनन। ठीक है, तो जंतुओं में जनन का जो क्वेश्चन आंसर है आज हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे क्वेश्चन आंसर पहले पहला क्वेश्चन में आते हैं। पहला एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन में सही गलत करने के लिए बोला गया है, टिक मैंने इसमें से वैकल्पिक चुनने के लिए बोला गया है, इसमें चार है और एक चुनना है। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? तो आंतरिक निषेचन जो है पेट के अंदर में होता है। आंतरिक निषेचन तो मादा के शरीर में होता है। नर के शरीर में क्या होता है कि ठीक है, ये सॉरी नर के शरीर यहाँ नहीं, क्वेश्चन यहाँ दो नंबर है। हैड्रा में जनन विधि होता है, तो हैड्रा में मुकुलन होता है। और एक युग में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो एक युग में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या एक होती है। एक ट्रेप्ड बॉल जिस प्रकार का वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है उसे कयांतरण कहते हैं। द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किसमें होता है? तो अमीबा में द्विखंडन होता है कि एक एक इस तरह का एक बड़ा रहता है रोटी ऐसा, ठीक है, कोई आकार नहीं होता है, इसमें एक केंद्रक होता है। यही केंद्रक दो भाग में बढ़ जाता है, एक केंद्रक इधर हो गया, टूट के अलग हो जाता है और दो जीव बन जाता है। अब दो नंबर में आते हैं सही गलत गलत करने के लिए। तो शुक्राणु वृषण कोशिका में परिपक्व होते हैं, सही बात है। और मेढक में बाह्य निषेचन होता है, ये भी सही है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन होता है, गलत। और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज बनता है, ये भी सही है। भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, ये भी सही। चलिए अब तीन नंबर में आते हैं ट्रू ये फिल इन द ब्लैंक्स में। तो जंतुओं में नर युग्म शुक्राणु कहलाते हैं, ठीक है, और नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से क्या कहते हैं? युग्मज कहलाता है। और युग्मज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। टेडपोल का मेढक के रूप रूपांतरण को कयांतरण कहलाता है। मनुष्य में डैश निषेचन होता है, तो मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। तो यहाँ पर इंद्रब्लांस हो गया है। अब आइए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, उसके बाद तीन नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ है, चलिए यहाँ बोला है मनुष्य में शुक्राणु एवं अंडाणु के संयोग को चित्र के द्वारा दर्शाइए। तो देखिए मादा में क्या होता है? अंडाणु होता है, इस तरह का देख लेते हैं। और नर में क्या होता है? ये जो मेढक जैसा, ये पतंग जैसा, बैलून जैसा होता है ये। और यहाँ पर मादा में क्या होता है? गोले सा होता है। यही आकर यहाँ पर, यहाँ ये आकर यहाँ पर क्या होता है? ये आकर यहाँ घुस जाता है और ये बड़ा रूप लेकर बन जाता है, युग्मज कहलाता है। युग्मज के बाद में ये बड़का जीव कहलाता है। जनन चरण निषेचन है जिसमें मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को निषेचन कहलाता है। पांचवा नंबर में आइए, आपको हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना जो है देखिए, इसमें रोक कर लिख लीजिए। तो सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है समझाइए। तो सभी सजीवों की उत्तर जीविता के लिए। तो पांचवा क्वेश्चन है सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है समझाइए। तो सजीवों की उत्पत्ति जीविता के लिए जनन आवश्यक है, क्योंकि देखिए अगर यदि मान लीजिए अगर यदि सारा मनुष्य यदि जन्म नहीं देगा, मरेगा नहीं, बूढ़ा नहीं होगा, जवान नहीं होगा, तो यह प्रक्रिया चलते रहता है। उधर एक तरफ से मरते जाता है और एक तरफ से नया जो बच्चा है जन्म लेते जाता है, तो क्या होता है? हमारा समाज का जो पीढ़ी दर पीढ़ी यह साइकिलिंग होते रहता है। अगर यह बंद हो जाएगा तो देखिएगा कि सारा बूढ़ा एक साथ में मर गया, उसके बाद कोई बच्चा कोई जीवित नहीं बचा है। यह इसलिए सजीवों में जनन आवश्यक होता है। जन्म किसी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवों में जनन की विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक जैसा जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर बनाए रखने सुनिश्चित करता है, संतुलित बनाए रखता है। छह नंबर क्वेश्चन है आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में क्या अंतर है? तो देखिए आंतरिक निषेचन पेट के अंदर में जो बच्चा पलेगा वो आंतरिक निषेचन कहलाता है, और जो बाहर होगा, बाहर मतलब जैसे मेढक पोखर में दे दिया और कुछ दिन के बाद वो मैंने जैसे लार्वा सब होते होते तो अपने अपने आप बच्चा बन जाता है, वो बाह्य निषेचन हुआ। ये समझ गए? तो यहाँ देख लीजिए इसका क्या क्या दिया है अंतर है। आंतरिक निषेचन वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन हुआ, आंतरिक निषेचन कहलाता है।
जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते, बकरी, मुर्गी, ये सब जो है आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन अनेक जीवों जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इस जंतुओं में निषेचन जल में होता है। ऐसा निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे मछली, स्टार फिश आदि, ये सब जो है बाह्य निषेचन कहलाता है। आगे आइए, हमको अगला क्वेश्चन, लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन, जो लैंगिक जनन वह जनन जिसमें अकेला जीव ही अपनी संतति पैदा करता है। इस प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्म का निर्माण नहीं होता है। तो इसमें जैसे होता है, जैसे होता है ना कि एक लड़का एक लड़की होगा, गाय और सांड होगा, तो इस सब में जो जो इस सब से जो बच्चा होगा वो लैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है। और जिसमें जो उसका जरूरत नहीं पड़ता है, खाली जो है एक ही टो जैसे फूल अपने आप होने लगता है, तो ये सब जो होता है अलैंगिक जनन। अब यहाँ देखिए, जंतुओं में लैंगिक जनन दो विधियों का वर्णन कीजिए। लैंगिक जनन की विधियाँ, ठीक है, द्विखंडन, ठीक है, टूट जाता है जो अमीबा, जब कोई एक कोशिका जीव पूर्ण रूप से विकसित होता है, होता है तो यह दो भागों में विभक्त हो जाता है। पहले केंद्र तथा विभाजित होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विखंडन के द्वारा जब दो जीव बनते हैं तो उसे द्विखंडन कहलाता है। ये देख लिए, एक कोशिका, देखिए दो कोशिका टूटा और दूसरा, देखिए टूट रहा है, टूट के फिर यह दोनों अलग हो गया, या ये दोनों अलग अलग हो गया, क्या हुआ, संतति हो गया। और दूसरा है मुकुलन, दो विधि बोला था, एक द्विखंडन एक मुकुलन। इस प्रक्रिया में के जनन में जीवों के शरीर पर एक उभार उभार की तरह की संरचना बनती है, जिसे मुकुलन कहते हैं। शरीर का केंद्र दो भागों में विभक्त हो जाता है और उसमें से एक केंद्र मुकुलन में आ जाता है। मुकुलन पैतृत जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण पूर्ण पूर्व विकसित जीव बन जाता है। या जो है, जैसे वहाँ बताया कि एक कुछ ऊपर भाग उभरी में ऊपर में भाग में रहेगा, अब वह बड़ा हो जाएगा, केंद्र केंद्र सब बटेगा और वह अलग बॉक्स में बन जाता है। जैसे हम लोग जो पलाश का पत्ता सब जैसे गिर जाता है जमीन में और देखते हैं कि कुछ दिन के बाद अपना छोटा छोटा सा पत्ता निकल के निकलने लगता है, तो ये सब जो प्रक्रिया होता है मुकुलन होता है। 9 नंबर में देखिए, मादा के गर्भ में गर्भ के भीतर शिशु के विकसित का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो निश्चय के फलस्वरूप युग्मज बनता है, ठीक है, जो विकसित होकर भ्रूण में बदल जाता है। युग्मज का लगातार विभाजन होता है, इसके फलस्वरूप कोशिकाएं समूहकृत होने लगती है। यह विभिन्न ऊतकों और अंगों के परिवर्तित होता है हो जाती है। इस विकसित संरचना को भ्रूण कहते हैं। गर्भाशय में पूर्ण भ्रूण का निरंतर विकास होता है। धीरे 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 विभिन्न शरीर अंग हाथ पांव विकसित होते जाते हैं। अब भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी भाग का पहचान होकर गर्भ गर्भ कहलाता है। 9 नंबर तो हो गया, अब चलिए 10 नंबर में आते हैं। 10 नंबर में बोला है, दो जंतुओं जिसमें पहले बाह्य निषेचन होता है और दूसरे में आंतरिक निषेचन होता है। पहला अंडा देता है, दूसरा सीधे ही शिशु को जन्म देता है। अब उत्तर दें, पहले जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाता है? तो अंड प्रजनन कहलाता है दूसरा, और पहले जंतु को मछली मेढक कहलाता है। 3 नंबर में, दूसरे जंतु में किस प्रकार का जंतु कहलाता है? वह क्या कहलाता है? युज्मन कहलाता है। तो ये 10 नंबर तक क्वेश्चन था, आप रुक के आंसर कर लीजिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।